एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस पॉट राउंड की नोटिफिकेशन आउट हो गई है कि कौन इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनके पास कॉमन मेरिट रैंक है वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी सीट फर्स्ट प्रीवियस राउंड में फ्रीज कर दी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को प्रीवियस राउंड में कोई सीट नहीं अलॉट हुई है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिनको राउंड फर्स्ट से राउंड फोर्थ तक सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने फीस नहीं पे करी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया है प्रीवियस राउंड्स में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। कैंडिडेट्स हु बिकेम इनएलिजिबल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड नाउ दे हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर द एडमिशन गाइडलाइंस। अगर आपके पास अब वैलिड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी हो चुका है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स जिनकी CMR है उन हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट और नॉट फिल्ड इन प्रेफरेंसेज और चॉइस फिलिंग एंड नॉट अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर सीट अलॉटमेंट वो भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग कॉमन मेरिट रैंक अंडर लेटरल एंट्री, ये लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, सीट कन्फर्म्ड कैंडिडेट्स, दीज टाइप ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड काउंसलिंग एंड चॉइस मॉडिफिकेशन। सच कैंडिडेट इफ पार्टिसिपेट विल बी प्रोसेस्ड इन सीट एलोकेशन फॉर सच कैंडिडेट अलॉटेड चॉइसेस एंड चॉइसेस विच हैज बेटर प्रेफरेंसेस देन अलॉटेड चॉइसेस विल बी प्रोसेस्ड। अब इन केस न्यू सीट अगर अलॉट होती है तब उनकी अर्लियर सीट जो है वो फॉरफीट हो जाएगी अगर आप एंड न्यू सीट विल बी कन्फर्म्ड। अगर आपको न्यू सीट अलॉट हुई है स्पॉट राउंड में कोई, तो आपकी पुरानी वाली सीट ऑटोमेटिक फॉरफीट हो जाएगी जो हमारे पहले के काउंसलिंग राउंड्स में हुआ है। सेम वही चीज़ यहाँ पे रहेगी। कौन से स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, क्योंकि उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था या फिर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्पॉट राउंड का डिस्प्ले वैकेंट सीट्स का 21 जुलाई से लेके 23 जुलाई रात के 12 बजे तक रहेगा। आप उसमें चेक कर सकते हैं, आपको चैनल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट 21 से 24 के बीच में होगा। जो नए कैंडिडेट्स यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं ये उनके लिए नहीं है, प्लीज़ कन्फ्यूज मत करिएगा अपने आप को। जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया ही नहीं है ये उनके लिए है। चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन और लॉकिंग 21 से 25 जुलाई, सीट अलॉटमेंट आपका 27 जुलाई को होगा और फिर फी पेमेंट आपका 27 to 29 जुलाई होगा। अब जो पार्टिसिपेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल है जो स्पॉट राउंड के लिए, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट जिनकी सीट कंफर्म हो जाएगी बाय पेइंग द एडमिशन फ़ी एंड नॉट विड्रॉन इन एनी प्रीवियस राउंड्स, उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी 5,000 नहीं देना पड़ेगा, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 5,000। पार्टिसिपेशन ऑफ ₹5,000 नॉन रिफंडेबल रहेगा बाकी कैंडिडेट्स के लिए, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अब स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो है ये आपके फोर्थ काउंसलिंग राउंड के बाद हो रही है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो स्पॉट राउंड में अपीयर हो सकते हैं, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको फिर से रजिस्टर नहीं करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ फिर से रजिस्टर नहीं करना है। पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ़ी ऑनलाइन मोड पे रहेगा, जो 5,000 है ये भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। चॉइस फिलिंग लॉकिंग हमने सारा वो ऊपर डिस्कस कर लिया था। फिजिकल रिपोर्टिंग फाइनली अलॉटेड कैंपस पे, जो आप कैंपस फाइनली अगर सेलेक्ट करोगे स्पॉट के बाद वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल मैक्सिमम चॉइसेस फ्रॉम द अवेलेबल एकेडमिक प्रोग्राम सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंपस अलॉटमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर कोर्स एंड कैंपस प्रेफरेंस दैट अ कैंडिडेट कैन सेलेक्ट। आप मैक्सिमम प्रेफरेंस अपने फिल कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। ये फाइनल राउंड है सीट अलॉटमेंट का, स्पॉट राउंड जो कि आपके CMR और प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा जिस पोर्टल पे अभी तक सब कुछ हो रहा था। अगर
आप विड्रॉल इन केस एनी कैंडिडेट विल विड्रॉ फ्रॉम द अलॉटेड सीट द एडमिशन फीस डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी फॉरफीटेड एक्सेप्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिर्फ आपको फॉरफीट हो जाएगा आपका अमाउंट और एक्सेप्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा आपका. तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्पॉट राउंड. आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, वीडियो को फिर से सुन सकते हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना मिली हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.